नमस्कार साथियों, मैं भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, फाइनली आपका रिजल्ट भी आ गया है, आप सभी ने देख भी लिया होगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर जिन बच्चों का नहीं हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो इस पे हताश मत होए, वो अपनी 11th 12th की क्लासेस की स्टडीज जारी रखे और 12th क्लास में कुछ ऐसा कर दिखाए जो आपने सपने में भी नहीं सोचा है। इसके साथ साथ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेवल 2 के लिए लेटेस्ट अपडेट। अब बात करते हैं लेवल 2 की, जो लेटेस्ट अपडेट है वो किस पे बेस्ड होने वाली है, क्या उसका सारा मुद्दा रहने वाला है। लेवल 1 आपका क्लियर हो चुका है फाइनली, इसके बाद में क्या प्रोसीजर है आगे वाले, आपको कैसे लेवल 2 के लिए रेवाड़ी लेके जाया जाएगा, कौन कौन से सेंटर पे किस किस प्रकार की पढ़ाई आपको करवाई जाएगी, तो उससे रिलेटेड आज की स्टूडियो में हम पूरा पूरा डीपली ध्यान देंगे। इसके साथ साथ मैंने एक इससे पहले भी एक वीडियो बना दी है जिसपे तकरीबन आज से 10 दिन पहले अपलोड की थी, 2-3 महीना हो गया होगा तकरीबन बता रहा हूँ, मेरे को फिक्स डेट पता नहीं है। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैंने खुद के एक्सपीरियंस से, जब 2018 में पहली बार सुपर 100 का बेस स्टार्ट हुआ था तब मैं उसका स्टूडेंट था, तो मैंने उस बेस के अनुसार अपनी जो एक्सपीरियंस था, अपना जो एक्सपेक्टेशन थी, वो सारी उस वीडियो में ब्याह की है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने लेवल 2 की पूरी डिटेल बताई है कि किस तरह हमारा पेपर हुआ था, किस तरह का वहाँ रहन सहन था, किस तरह का वहाँ खान पान था, किस तरह वहाँ का जो सराउंडिंग का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट था, वो किस तरह का था, उसके बारे में मैंने डीपली बताया है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप आज की वीडियो को भी बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं पता नहीं कहाँ पे क्या मेन बात बोल जाऊँ जो आपके लिए मिस नहीं होनी चाहिए। इसमें आपका ही फायदा है कि आपकी कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि आप अपने बेस्ट, यानी कि आप जो ये वीडियो है उसको पूरा देखिए, ताकि आपकी कोई भी पॉइंट टू पॉइंट कुछ भी मिस न हो। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैं जल्द ही लेवल 2 का सिलेबस भी आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो उस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मैं कोई कंपल्सन नहीं भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बट सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके लिए इतना फायदा रहेगा कि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सुपर 100 लेवल 2 का एग्जाम किस तरह से होने वाला है और उसका क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो सबसे पहले, जैसे ही आपका लेवल 1 का एग्जाम क्लियर हुआ, आपके घर पे खुशी का माहौल होगा, फिर एक आधिकारिक पत्र जारी होता है जिसमें आपके स्कूल पर मेल आएगी और एक लेटर आएगा। उस लेटर में आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी, यानी कि बच्चे को किस तरह जाना है। अब की बार देखिएगा, 2018 में तो ऐसे हुआ था कि हम सभी को जो एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में जाना है, डिस्ट्रिक्ट के एक स्कूल में एड्रेस बता दिया गया था। मैं सिरसा से बिलोंग करता हूँ, तो सिरसा के हमें गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, उसमें हमें इकट्ठा होना था मेला ग्राउंड में, तो वहां पे हम सभी इकट्ठे हो गए थे। उसमें से हमें कुछ जानकारी दी जाती थी, वो जानकारी मिल गई, उसके बाद में हमें एक दिन बताया गया, उस दिन आपको बस स्टैंड पे इस टाइम पहुंचना है, आपको रोडवेज बिल्कुल फ्री लेके जाएगी, फ्री आपको घर पे छोड़ेगी, यानी कि सिरसा बस स्टैंड पे छोड़ेगी, और जो आपका सिरसा तक का किराया लगेगा वो भी आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, और वो आया भी था। 2019 में ऐसे हुआ कि जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है लेवल 1 का क्लियर करने के बाद लेवल 2 के लिए, उन्हें खुद की जेब से खर्चा निकाल कर जाना पड़ेगा, तो वो बच्चे गए भी थे और आज उनका लेवल 2 में सिलेक्शन भी है और वो आज पढ़ भी रहे हैं। अब की बार ऐसे है कि जो लेवल 1 का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं उन बच्चों को स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि बिल्कुल फ्री, उनको रेवाड़ी तक बिल्कुल फ्री लेके जाया जाएगा। रेवाड़ी में उनकी विकल्पा इंस्टीट्यूट के जो बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग में आपकी क्लासेस लगने वाली है। 3 दिन की क्लासेस लगेंगी, उसका सिलेबस 11th क्लास बेस्ड होगा या 12th क्लास बेस्ड होगा या 10th क्लास बेस्ड होगा, वो भी कोई फिक्स नहीं है, बट ज्यादा चांस है 11th क्लास का सिलेबस। क्यों?
क्योंकि जो 2018 में 2019 में दोनों साल 11th क्लास का सिलेबस आया था, और वो किस तरह से आता है, जो सिलेबस आपको वहां पे करवाया जाएगा, मतलब जैसे मान लीजिएगा आपके जो स्टार्टिंग के लेसन होते हैं चार पांच, मेनली मान लीजिएगा 3 लेसन फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री के, 3 बायो के, 3 मैथ के। जो बायो के विद्यार्थी हैं उनको मैथ का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, जो मैथ के विद्यार्थी हैं उन्हें बायो का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ओनली फॉर अप्रूव्ड बाय द लेवल 2 एग्जाम अप्रूव्ड बाय द MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द विकल्पा इंस्टीट्यूट। विकल्पा इंस्टीट्यूट ने यह नोटिस जारी कर दिया है, अगर आपने अभी तक वो नोटिस नहीं देखा है तो आपको जल्दी हमारे चैनल पे मिलेगा। उस नोटिस में क्या बताया गया कि जो बायो और नीट की तैयारी करेंगे उनको नीट के साथ साथ बायो का ही पेपर देना पड़ेगा, ओनली बायो का वहां पे लेवल 2 के लिए। और जो लेवल 2 में जेई की तैयारी करने के लिए आगे यानी कि उनकी नॉन मेडिकल स्ट्रीम है तो उन्हें मैथ से ही देना पड़ेगा, और जिनके पास बोथ है वो उनकी चॉइस है वो किस बेस पे देना चाहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन लेवल 1 में हो गया है, अब की बार 4 सेंटर है, वो 4 सेंटर कौन कौन से उस पे भी वीडियो आने वाली है, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो अब आपको करना क्या है, मान लीजिएगा जो आपके 4 सेंटर हैं, दो नॉन मेडिकल के सेंटर हैं, 2 मेडिकल के सेंटर हैं। जो नॉन मेडिकल के पहले तो ऐसे होता था, नॉन मेडिकल और मेडिकल का कॉम्बिनेशन होता था, दोनों इकट्ठे होते थे, बट अब की बार शायद ऐसे कर दिया है कि मेडिकल के अलग है, नॉन मेडिकल के अलग है। ये पक्का नहीं है अभी तक, बट मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि मेरी ऐसी सोच है कि अब की बार ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो पिछली बार की जो गड़बड़ हुई थी उसके कारण अब ये होना चाहिए। बट अभी तक चांसेस 50% ये और 50% दूसरा है कि दोनों बहुत कॉम्बिनेशन में हो, कॉमन हो। तो जैसे ही आपका वहां पे आप वहां पे जाओगे, मान लीजिएगा आपका शेड्यूल वहां पे फिक्स हो चुका है, आप यहाँ से बस पे रवाना हो चुके हैं, तो आपको जैसे ही आप रेवाड़ी पहुंचोगे तो आपको शाम तक तो आपका इंट्रोडक्शन चलेगा, सब कुछ टीचर्स आएंगे आपकी क्लास में, बिल्कुल जैसे आप हॉस्टल लाइफ जियोगे तो आपको एक हॉस्टल का रूम मिलेगा, रूम नहीं वैसे एक हॉल होगा, उस हॉल में आपको रहना पड़ेगा। जैसे आप किसी सा डिस्ट्रिक्ट के सभी बच्चे एक बॉयज है वो एक रूम में रहेंगे, गर्ल्स है वो एक रूम में रहेगी, इसी सा डिस्ट्रिक्ट है तो उनकी अलग क्लासेस लगेगी, सिरसा डिस्ट्रिक्ट 2-3 डिस्ट्रिक्ट करके उनका बैच होगा, उस बैच की क्लासेस लगेंगी, लड़के लड़कियों की दोनों की इकट्ठी लगेगी, उस बैच में जो जो आपको करवाया जाएगा उसी पे ही 100% उसी में से ही आपका पेपर आएगा। बट आप इतने चांस कीजिएगा वहां पे आपके मैनर, जो आपके मैनर है वो इम्प्रूव होने चाहिए, और जो टीचर आपका जैसे जैसे करवाएगा तो उसके साथ साथ आपका क्लास टेस्ट भी लिया जाएगा। जैसे आपको एक सवाल करवा दिया तो उसको कहेगा, वो आपको कहेंगे कि एक सवाल और आप करके दिखाओ, तो आपको वो करके दिखाना पड़ेगा, जो पहले करके दिखाएगा तो टीचर के सामने उसका इम्प्रेशन ज्यादा रहेगा, तो आप अपनी तरफ से ट्राई टू बेस्ट कीजिएगा कि आप वहां पे अपना कुछ जो हुनर है आप में वो दिखा सको कि हम भी कुछ कम नहीं है। तो जैसे ही आप लेवल वहां पे अपना इम्प्रेशन बढ़ा लोगे तो और आपका थोड़ा वहां पे मन लग जाएगा, वहां पे खान पान भी बहुत बढ़िया है और रहन सहन की भी बहुत बढ़िया सुविधा हो चुकी है, सुबह में मॉर्निंग में बहुत बढ़िया है। जल्दी मैं आपके लिए एक इंटरव्यू लेके आऊंगा, जो कि पंचकुला का एक एक्सपर्ट है, स्टूडेंट है हमारे पड़ोस में है, उसका भी आपको इंटरव्यू मिलेगा, और वो जेई की तैयारी कर रहा है तो उससे भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर लेवल 2 का जो एग्जाम है वो आपका क्रैक हो जाता है तो आपको 4 स्टेशन मिलेंगे, उन 4 स्टेशन में से एक जगह आपका एग्जाम होगा, वहां पे आप रहन सहन सब कुछ आपका वहीं पे होगा। तो वहां पे जैसे जैसे आपकी मन लगता जाएगा, जैसे जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, फिर आपका जनवरी और अगस्त में आपका एग्जाम होगा जेई मेंस का या नीट का या जेई का, जो भी आपका एग्जाम होने वाला है वो होगा, फिर आपको क्लियर करके आप IIT बॉम्बे दिल्ली कहीं ना कहीं आपकी जैसे आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका एडमिशन होगा वैसे वैसे आपको सब कुछ पता चलेगा, आपको अपनी जो भी खूबी आपके अंदर वो पता चलेगा, आपका इंटरेस्ट पता चलेगा, आपका मैथ में इंटरेस्ट है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट है वो आपको पता चलेगा। तो सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस आपको अभी तक परमानेंटली डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट आपको 2018-19 के बेसिस पे आपको सिलेबस जल्दी हमारे चैनल पे मिलेगा। तो इसके साथ साथ मैं बात करता हूँ कि उस इंटरव्यू में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, उनका पहला दिन रिवाड़ी में कैसे गुजरा, क्या क्या उनके साथ हुआ, 2018 का बैच है वो मेरा खुद का लिया अटेंड किया हुआ है, 2019 का बैच उनका अटेंड किया हुआ है, और 2020 का आप अटेंड करने जा रहे हैं। तो आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो का हम यहीं पे समापन करते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।